हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से रिक्शा वाले के नए एपिसोड की अपडेट के साथ। जी हाँ, पिछली बार हमने एपिसोड नंबर 1 से लेके 5 तक की अपडेट आपको दी थी और आज हम एपिसोड नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निशा अपने यार यानी कुंदन, जो एक रिक्शा चलाने वाला होता है, उसको याद करके रोने लगती है। फिर अचानक से उसका भाई उसके पास आ जाता है और वह उसको चुप हो जाती है। इसके बाद वो भाई गुस्सा करके उससे बोलता है कि निशा, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी अभी कमी है और अभी भी तुम उसको तैयार नहीं हो। जी हाँ, मेहमान आने ही वाला है और जो मेहमान आज हमारे घर पर आ रहे हैं वह कुछ खास है और वो स्पेशली तुम्हारे लिए आ रहे हैं। और उनके सामने तमीज़ से पेश आने की कोशिश करना, उनको लगना चाहिए कि तुम मेरी बहन हो। अब थोड़ी देर बाद निशा का होने वाला मंगेतर निशा से मिलने के लिए घर पर आ जाता है और उसके बाद वह उसके भैया और भाभी के साथ थोड़ी देर तक बात करता है और उसके बाद वह निशा से मिलने के लिए बोलता है। निशा से मिलने का नाम सुनते ही निशा के भैया और भाभी काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और वह रोमिल से बोलते हैं कि आप थोड़ा इंतज़ार करिए, वह अपने कमरे में ही है, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। लेकिन यहाँ पर निशा गुस्से में होती है और वह अंदर से गेट नहीं खोलती है। निशा की भाभी रोमी को बोलती है कि एक्चुअली वह क्या है कि आज निशा की तबीयत ख़राब है और वह अपने कमरे में आराम कर रही है और उसने अभी अभी मेडिसिन लिया है, तो थोड़ी देर बाद उसे आराम करना ही पड़ेगा, तो मुझसे मिलने के लिए रोमिल बोलता है। कोई बात नहीं भाभी जी, निशा से हम कल दिन में मिल लेंगे, फिलहाल हमारे भी जाने का वक्त हो रहा है। उसके बाद दोस्तों फिलहाल तो आज इसकी बेइज्जती होने से बच जाती है। अब रात को निशा की भाभी निशा को बोलती है कि निशा बेटा, जो लड़का तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए चुना है वह लाखों में एक है और उसके पास धन दौलत सब कुछ है। अगर तुमने उससे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने भैया की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें एक बार रोमिल से ज़रूर मिलना चाहिए। फिलहाल तो दोस्तों यह अपनी भाभी की बात मान लेती है क्योंकि वैसे भी उसको रोमिल शादी नहीं करनी होती क्योंकि वह तो कुंदन से प्यार करने लगी है। अब अगले दिन निशा फॉर्मेलिटी करने के लिए रोमिल से एक होटल में मिलने जाती है, लेकिन यहाँ पर रोमिल निशा पर अपनी बातों का ऐसा जादू चलाता है कि उससे वो इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ डेट पर निकल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ देख के कुंदन टेंशन में आ जाता है और निशा के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करके वो वहाँ पर रोने लगता है और यहाँ पे ही कहानी का एपिसोड नंबर 6 एंड हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी वेब सीरीज़ की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।